तो देखिए कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्बिटल कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्बिटल। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारे पास ऑर्बिटल हैं वो कितने टाइप के होते हैं। वो हमारे पास चार टाइप के ऑर्बिटल होते हैं। एक एस ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, जी ऑर्बिटल हो गया, शेप हो गया, स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है, स्फेरिकल सिमेट्रिकल शेप होता है, ये एक्सिस हो गई, और इसको हम लोग दिखाते कैसे हैं, एक बॉक्स से दिखाते हैं एक ऑर्बिटल को, है ना, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो दैट इज द, अगर ये आपके पास 1s का भी k सेल का भी s हो सकता है, मतलब 1s कहेंगे, अगर वो l सेल का हुआ तो 2s कहेंगे, है ना, m सेल का हुआ तो 3s कहेंगे। तो ये हमने मान लिया कि ये ns है, ठीक है, तो ns को अगर शो करना है तो हम एक बॉक्स से शो करेंगे। इसी तरह से हमारे पास p ऑर्बिटल है, तो p ऑर्बिटल क्या होता है, या p सबसेल ऑर्बिटल है, p, हाँ p सबसेल है, तो p सबसेल है, तो इसके कितने होते थे, px होता था, नंबर भी चेंज कर दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, p ये y हो गया, तो क्या कहेंगे हम लोग, ये px हो गया, इसके लिए एक बॉक्स दिखाते हैं। अच्छा किसका p है, तो जाहिर सी बात है k सेल में पहले सेल में p होता नहीं है, पहले में सिर्फ s होता है, l सेल से स्टार्ट होता है क्या p ऑर्बिटल, तो हम कहेंगे कि ये 2px हो सकता है, 3px हो सकता है, या 4px हो सकता है, हम लोग कहेंगे ये npx है। अब ये npx है तो यहाँ पे इसके लिए एक बॉक्स अलॉट कर देंगे, ये npx हो गया, दैट इज वन ऑफ द ऑर्बिटल। इसी तरह से अगर हमें बात करना है py की, तो जाहिर सी बात है कि वो ऑर्बिटल ठीक y एक्सिस के अलोंग होगा, तो ये हो गया आपका py, ठीक है, कौन सा पी वाई है, तो हम कहेंगे ये एन पी वाई है, ठीक है, किसी मेन एनर्जी एन का पी वाई है, तो इसके लिए भी एक ही ऑर्बिटल, ठीक है, डायग्राम हो गया, बॉक्स डायग्राम हो गया। इसी तरह से आपका क्या हो गया, एन पी जेड हो गया, एन पी जेड, तो पी जेड ये एक्स एक्सिस है, से ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, तो जो एन पी जेड हो गया वो आपका ये हो जाएगा, ठीक है, तो दैट इज द पी जेड ऑर्बिटल ऑफ एनथ शेल, ठीक है, तो हम कहेंगे ये एन पी जेड हो गया, एन पी जेड हो गया। अब कौन बचा हमारे पास, डी के ऑर्बिटल, डी सबसेल बचा है ना, या डी ऑर्बिटल कह ले, तो हमारे पास जो सबसेल है डी बचा, तो डी के लिए क्या क्या होता है, एक होता है आपका एक्स वाई के लॉन्ग होता है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, तो ये डी एक्स वाई हो गया, तो इसे कहेंगे कि किसका है, एन डी एक्स वाई हो गया। हम लोग जानते हैं कि डी ऑर्बिटल कहाँ से पाया जाता है, थर्ड सबसेल से, है ना, थर्ड फोर्थ जो सेल है, थर्ड सेल मतलब के एल एम से, तो एम से डी की अवेलेबिलिटी होती है, एम एन उसके बाद आगे होगी। इसके लिए कितना बॉक्स अलॉट किया, इसके लिए भी एक ही बॉक्स अलॉट किया जाएगा, ठीक, तो ये हो गया आपका एन डी एक्स वाई। इसी तरह से आपके पास क्या हो गया, एक्स जेड हो गया मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका डी एक्स, हाँ जेड हो जाएगा, तो आप यहाँ पे एन डी एक्स जेड कहोगे, ठीक है, ये हो गया आपका एन डी जेड ऑर्बिटल, मतलब एक्स जेड ऑर्बिटल। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, एक्स वाई तो एक्स जेड हो जाएगा, एक्स जेड तो हो चुका, वाई जेड, तो दैट हैव द सेम स्ट्रक्चर, अभी हो जाएगा, इसके लिए भी एक ही बॉक्स अलॉट किया जाएगा, है ना, एन डी वाई जेड, ठीक, और यहां भी हम लोग लिख देंगे वाई जेड हो गया। इसी तरह से दो और ऑर्बिटल हैं, कौन कौन से, एक एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा आपका एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो
तो इसे कहते हैं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये अब थर्ड का भी, फोर्थ का, फिफ्थ का, किसी का हो सकता है, से एनथ का है, तो इसके लिए भी एक ही बॉक्स अलॉट करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, किसका, किस सेल का, एनएच सेल का। आखिरी बचा आपका डी जेड स्क्वायर, तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। और जो आपका लोब होगा वो एलॉन्ग द, ठीक है, और फिर आपका ये, तो इसे क्या कहते हैं, एन डी जेड स्क्वायर। और इसके लिए भी एक ही बॉक्स अलॉट करते हैं, एन डी जेड स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि चूंकि ये ऑर्बिटल की बात करें तो ये सारे ऑर्बिटल हैं, और हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या जानते हैं कि जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, दैट इज अ कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल। तो किसी भी ऑर्बिटल की, चाहे वो कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे पी सबसेल का ऑर्बिटल हो, चाहे एस सबसेल का ऑर्बिटल हो, या फिर डी सबसेल का ऑर्बिटल हो, या एफ सबसेल का ऑर्बिटल हो, ऑर्बिटल कोई भी हो, सिर्फ एक बॉक्स से दिखाया जाएगा, है ना। तो इसका मतलब जो ऑर्बिटल की कैपेसिटी हो गई मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की, वो क्या हो गई, 2 हो गई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तीसरा इलेक्ट्रॉन जब भी फिलअप करने जाएंगे तो उसका चारों क्वांटम नंबर किसी एक से मैच कर जाएगा, है ना, अगर तीसरा भरने की कोशिश करते हैं तो। इसका मतलब 2 से ज्यादा हम नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैपेसिटी ऑफ क्या हो गया, कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्बिटल किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द काइंड ऑफ ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन एक कंपटीशन का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि कैपेसिटी ऑफ एनी ऑर्बिटल, एनी ऑर्बिटल इज 2, ठीक है, नोट करिए। ये क्या है? एनएस हाँ एनएस, पॉज कर देते हैं। देखो, अरे बस कर, चुप रहो। देखो अब यहाँ क्या था, ए यहाँ पे क्या था, कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की बात करेंगे हम तो कोई भी ऑर्बिटल हो, चाहे वो डी वाला कोई एक ऑर्बिटल हो, डी में 5 टाइप के हो सकते हैं, इसी तरह से सॉरी 3 टाइप के हो सकते हैं डी में, अरे सॉरी सॉरी 5 टाइप के हो सकते हैं, और पी में क्या हो सकते हैं, 3 टाइप के, और एस अकेला हो गया। तो कोई भी ऑर्बिटल हो, अगर ये क्वेश्चन लिख के आता है राइट डाउन द कैपेसिटी ऑफ ऑर्बिटल, तो आंसर 2 रहेगा, लेकिन लेकिन एफ का भी रहेगा, शकल नहीं होता इसलिए नहीं बनाया, है ना। तो हम लोग कहेंगे अब हेडिंग डालेंगे कैपेसिटी ऑफ सबसेल, क्या डालेंगे, कैपेसिटी ऑफ सबसेल। सबसे अभी आ रहा है, कहे इतनी आतुर हो रहे हो, सब आएगा। कैपेसिटी ऑफ सबसेल, तो देखिए नहीं, कैपेसिटी ऑफ सबसेल में देखिए हम लोग देख रहे हैं कि जो पी सबसेल था, है ना, पी ऑर्बिटल था, ये पी सबसेल में 3 डी जनरेटेड ऑर्बिटल हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। हम लोगों ने लास्ट टाइम में बात करी थी कि चाहे आपका एनपीएक्स हो, एनपीवाई हो, एनपीजेड हो, इन तीनों की एनर्जी इक्वल होती है, तो दे आर कॉल्ड डी जनरेटेड ऑर्बिटल। तो ये पी ऑर्बिटल है, इसका मतलब
पी पी के पास 3 BHK है ना, ये 3 BHK में है, काफी थोड़ा ठीक ठाक आदमी है ना, तो ये NPX हो गया एक, दूसरा क्या हो गया NPY हो गया, तीसरा NPZ हो गया। अब देखो दो इसमें रख सकता है, दो इसमें रख सकता है और दो इसमें रख सकता है, तब जाके फुल होगा। इसका मतलब जो पी ऑर्बिटल की कैपेसिटी है वो तो दो है, लेकिन पी सबसेल 3 ऑर्बिटल से मिलके बनता है, 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल से मिलके बनता है। इसका मतलब पी सबसेल की जो कैपेसिटी है वो 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगी। किसके इलेक्ट्रॉन बराबर? 6 इलेक्ट्रॉन के बराबर, है ना। तो दैट इज इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ पी सबसेल, कैपेसिटी ऑफ पी सबसेल, सबसेल दैट इज इक्वल टू 6 हो जाएगी। इसी तरह से अगर एस की बात करें, हाँ, कैपेसिटी ऑफ एस सबसेल, एस अच्छा सबसेल, तो एस सबसेल की हो जाएगी, इसमें एक ही होता है ना, तो हम कहेंगे 2 की हो जाएगी, तो ये एनएस है, तो दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया। अब डी सबसेल की बदल जाएगी, है ना, तो डी सबसेल की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका 5 BHK है, काफी अमीर आदमी है ना। ठीक है, तो जो आपका डी सबसेल है, ठीक है, तो डी सबसेल में आपका 5 BHK हो गया, 5, एक हो गया आपका DXY, NDXY, दूसरा हो गया N, ठीक है, NDYZ, और क्या हो गया NDXZ, N DX²-Y² और NDZ²। तो सब दो दो की कैपेसिटी वाले हैं ऑर्बिटल्स, तो ये 5 BHK है, तो हर, ठीक है, सिंगल BHK में क्या हो गया 2, तो ये हो गया 10। दैट मीन्स क्या लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ पी सब डी सबसेल दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें कैपेसिटी ऑफ एफ सबसेल की, तो एफ में क्या होंगे, देखो इसमें एक था, है ना, इसमें 3 था, आगे 5 था, तो अगला 7 आने वाला है, 7 BHK, है ना, हवेली बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन का। अब किसी ने अगर ये कह दिया कि एल वैल्यू हम दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एल वैल्यू, और कैपेसिटी आप बताइए, है ना, गिवन एल के लिए कैपेसिटी बताइए, तब कैसे सोचेंगे, देखो हम कैसे सोचते हैं, है ना, उसी तरह से सोचना है, तो ये हटा दे रहे हैं ना, हाँ, वो नोट करना है, वो हम नहीं मिटाएंगे, ठीक है, जो नोट करने वाला है। अब देखिए एन सबसेल जो है, कोई भी एल वैल्यू दी गई है ना, अगर एल वैल्यू दी गई है तो हम जानते हैं कि गिवन एल के लिए जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ ML होती है ना, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वही तो अलाइनमेंट बताता है। अगर L 0 है, L अगर 0 है, तो अगर L की वैल्यू 0 है, तो जो ML की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाती है, सिर्फ 0 होती है ना, मतलब एक ही अलाइनमेंट है, 1 BHK है इसका मतलब। इसी तरह से अगर L की वैल्यू 1 है, मतलब P सबसेल है, तो हम कहते थे सारे इंटीजर -1 से लेके +1 के बीच में लिख दो, तो एक ही तो है, तो ये 3 BHK इसीलिए हो गया था, है ना। इसी तरह से अगर L की वैल्यू 2 है, तो सारे वैल्यू -2 से लेके +2 के बीच में सारे इंटीजर लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, -1, 0, 1 और 2, 5 हो गया। ठीक है, तो देखो जब L की वैल्यू 0 है, तो क्या है, इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक ऑर्बिटल है, L की वैल्यू 1 है तो 3 ऑर्बिटल है, L की वैल्यू 2 है तो 5 है, तो इसका मतलब L की वैल्यू अगर L रहेगी तो नंबर ऑफ जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ, है ना, 2L+1 हो जाएंगे। कैसे, ऐसे सोचो कि L की वैल्यू जब 2 है, तो 1 से लेके 2 तक इधर 2 ठो, 2 ठो इधर और 1 ठो 0, है कि नहीं। L की वैल्यू अगर 5 होती सपोज, तो 1 से लेके 5 तक उधर, और उसका निगेटिव वाला 5 का डबल हो गया 10, और 1 ठो 0 इंक्लूड कराएगा 11 हो गया। तो जब L की वैल्यू L है,
तो नंबर ऑफ जो पॉसिबल सबसेल्स हैं, अरे सॉरी ऑर्बिटल्स हैं, उसके नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्बिटल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, 2l+1 हो जाएंगे, या यूं कहें नंबर ऑफ पॉसिबल अलाइनमेंट्स उसके कितने हो जाएंगे, 2l+1। अब ये इतने तो BHK है ना, और एक इतने बॉक्स होंगे, 2l+1 बॉक्स होंगे, और एक बॉक्स की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की है, तो इतने बॉक्स की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन की हो जाएगी, हाँ 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज अ कैपेसिटी ऑफ किसका है, ये कैपेसिटी ऑफ एल सबसेल, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ एल सबसेल सबसेल, और इसके लिए हम लोग थोड़ा काम भी कर लेंगे ना, वेरीफाई हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए, तो यहां ऑर्बिटल लिख दे रहे हैं, ऑर्बिटल यहां सबसे एल वैल्यू और यहां पे कैपेसिटी। अब ये बताइए, फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, तो ऑर्बिटल अगर एस है तो एल वैल्यू क्या होती है, एस के लिए 0 होती जीरो है, तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 2 × 2 × 0 + 1। अब बताओ कितना आने वाला है, 2 आ गया, आया ना, ठीक है। इसी तरह से अगर पी ऑर्बिटल है तो एल वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, तो बताओ क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 1, ये 3 आ गया, 3 × 2 = 6 हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल है, डी सबसेल है, तो डी सबसेल है तो इसका मतलब क्या हुआ, एल वैल्यू 2 हो गई, 2 × 2 + 1 कितना हो जाएगा, दैट इज 10। इसी तरह से 3 है, एफ के लिए 3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 + 1, ये हो जाएगा 40। तो वेरीफाई भी हो गया इस तरह से, ठीक है, नोट करो। वहां पे क्वेश्चन पावर कनेक्ट कैपेसिटी ऑफ शेल, कैपेसिटी ऑफ शेल, सेल कौन सबसे कौन कैपेसिटी ऑफ शेल, सेल ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ जो nth सेल होता है, कैपेसिटी ऑफ nth सेल, nth सेल दैट इज इक्वल्स टू 2 × n² क्या होता है, 2 × n² होता है। अब हम लोग देखेंगे, हमारे पास डिफरेंट सेल होते हैं, जैसे के सेल होता है, एल सेल होता है, एम सेल होता है ना, और एन सेल होता है, एटलीस्ट 4 के लिए तो बात हम लोग करेंगे ही, तो उनकी जो कैपेसिटी होती है, एक सेल में बहुत सारे सब सेल होते हैं, तो हमने ये कहा कि अगर हम बात के सेल की करें, ठीक है, हम पूरी बात यहाँ फॉर्मूले से कर लेंगे, लेकिन बीच में थोड़ी सी बातें करेंगे, वो आएंगे कहाँ से। तो हमने कहा कि यहाँ पे हमने शेल लिखा, ठीक है, यहाँ पे उसकी एन वैल्यू लिखा, एन वैल्यू, ठीक, और यहाँ पे हमने पॉसिबल सबसेल लिखा है ना, पॉसिबल पॉसिबल है ना, ऑर्बिटल्स लिख दे रहे हैं, सबसे ही नहीं थी ऑर्बिटल्स, रुक जाओ, ऑर्बिटल्स लिख दे रहे हैं वहां पे, ऑर्बिटल्स, ठीक है, और यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ शेल। अब देखिए, जैसे आपका सबसे पहला सेल क्या होता है, के सेल होता है, न्यूक्लियस के अराउंड में सबसे पहला सेल के सेल होता है। अब के सेल में एन वैल्यू इसकी 1 होती है, अब एन वैल्यू अगर इसकी 1 होती है तो एल एल की पॉसिबल वैल्यू सिर्फ 0 हो जाएगी, 1 से कम इंटीजर, 0 से लेके n-1 तक एल वैल्यू 0 हो गई, तो पॉसिबल क्या हो गया, ये एल वैल्यू लिख दे रहे हैं, पॉसिबल एल है ना, पॉसिबल एल, तो ये हो जाएगा, सिर्फ क्या होगा, 0 पॉसिबल है, ये बात समझ आ गया, और 0 का मतलब क्या हुआ, एस ऑर्बिटल है ना,
सिर्फ ऐसा ऑर्बिटल है। तो अब बताओ एक ही ऑर्बिटल है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, दो। और फॉर्मूले से देखो कितना आएगा, जो ये था 2 × n² तो यहाँ पे 2 × क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, वैसे भी 2 आ रहा है ना। ठीक है, इसी तरह से अगर k के बाद कौन सा सेल होता हमारा, l सेल होता, तो l सेल के लिए n वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। अब अगर n वैल्यू 2 है ना, सॉरी हाँ n वैल्यू 2 है, तो l वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1, बस 2 से एक कम है ना, 1 0 से n-1 तक, तो 0 से n-1 तक, तो 0 से 1, 0 और 1, 0 का मतलब s ऑर्बिटल भी है ना, s भी होगा, मतलब ये क्या कहेंगे, ये हो गया 1s था, यहाँ पे क्या कहेंगे, 2s कहेंगे। फिर 1 का मतलब p ऑर्बिटल, अब p में 3, 2px भी होगा, 2py भी होगा, और क्या होगा, 2pz भी होगा। अब बताओ कितने हो गए, 2 2 4, 2 6 2 8। यहां से देखो इस फॉर्मूले से कैसे आता है, तो 2 × 2 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर 4 × 2 क्या आ गया, 8। वहां से भी वेरीफाई हो रहा है कि क्यों 8 है ना। अब अगर यहां वैल्यू हम एन सेल कहते, तो एन सेल के लिए जो एन वैल्यू हो गई, KLM, हाँ एल एम, जो एम सेल हो गया है ना, एम सेल के लिए एन वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल हो गई 0 से 3-1 तक, मतलब 2 तक, तो 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। इसका मतलब ये एस ऑर्बिटल है और किसका है, 3 का है, तो 3s लिख देंगे। फिर ये p ऑर्बिटल है किसका, थर्ड सेल का, तो 3px, 3py और 3pz, 3py और 3py और 3pz हो गया। और ये 2 क्या है, d सब सेल है ना, तो क्या हो जाएगा, 3dxy, फिर 3dyz और 3dxz और 3dx²-y² और 3dz². अब बताओ कितने हो गए, ये हो गए गिनती में कितने, 7 आएंगे ना, नहीं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, तो 9 2 18 इलेक्ट्रॉन, सब एक दो दो तो होल्ड करेंगे है ना। तो हम यहां देखो, यहां से वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 2 × 3 का स्क्वायर, तो क्या आ गया, 3 का 9 और 2 जा 18। इसका मतलब जो एम सेल की कैपेसिटी है वो क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की है। जिन 80 इलेक्ट्रॉन में वो जो 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, 9 ठो ऊपर की तरफ होंगे और 9 ठो नीचे की तरफ होंगे, इसका क्या मतलब है कि 9 इलेक्ट्रॉन की स्पिन +1/2 होगी और बाकी 9 की स्पिन क्या होगी, -1/2 होगी। ये बात समझ आ गया ना। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि ये बताइए कि एन सेल में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिनका स्पिन +1/2 है। तो अब हमने सोचा, अच्छा एन सेल है, तो एन सेल का मतलब कि एन वैल्यू कितनी हो गई, एन वैल्यू 4 हो गई, इसका मतलब इसकी इसका जो कैपेसिटी 4 का स्क्वायर, मतलब 16 2 जा 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें टोटल, और आधे ऊपर और आधे नीचे, इसका मतलब 32 में से 16 का स्पिन +1/2 होगा और 16 का स्पिन क्या होगा, -1/2 होगा। तो बड़े आराम से बता देंगे कि एन सेल में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जिनकी स्पिन +1/2 है वो 16 है, और बाकी 16 की स्पिन क्या है, -1/2। तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे सब हम लोग क्या पॉसिबल है, 0 है 1 है 2 है और 3 है, ये छोड़ देते हैं, है ना, कितना लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा है ना। तो अगर आपको कैपेसिटी किसी सेल की चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आप सेल का एन वैल्यू बता दीजिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता दीजिए। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी ने आपको बता दिया, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी आराम से आप बता सकते हो। ठीक है, और एडिशनल क्वेश्चन का भी जवाब दे सकते हो है ना, जैसा हमने बीच में क्वेश्चन एक डाला था, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बहुत सारे देंगे, तो उसमें आप करेंगे तो समझ में आएगा कि कितना ये सारी चीजें वर्क कर रही है, जितना नोट्स बना रहे यस सर। हैं, नोट कर लीजिए। थैंक यू।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, या ऐसे हेडिंग डालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डीजनरेटेड ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके ऑर्बिटल फॉर डी जनरेटेड ऑर्बिटल, अब इसमें एग्जांपल लेना पड़ेगा हमको, तो ऑक्सीजन का ले लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 8 है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सारे एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब 8 इलेक्ट्रॉन को हमें फिलअप करना है, ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना है तो सबसे पहले कौन फिलअप होगा, 1s, है ना, क्यों 1s फिलअप होगा, क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है, उसके बाद कौन फिलअप होगा, 2s, और 2s के बाद फिर 2p। अब हम लोगों ने कहा कि ये हो गया आपका 2p के 3 डिजिट, हम px py pz नहीं लिख रहा है ना, ना कोई लिखता है, तो आपके p के 3 हो गए, तो 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया है ना, क्या दूसरा हम यहां भर सकते हैं, नहीं भर सकते, हुंड रूल, हाँ एक मिनट, हुंड रूल वायलेट हो जाएगा, सॉरी अबाउ प्रिंसिपल वायलेट हो जाएगा, अबाउ कहता है जब तक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड ना हो जाए तब तक आप अगले इंक्रीजिंग ऑर्बिटल एनर्जी में फिलअप नहीं करोगे, है ना, तो यहां पे हम इलेक्ट्रॉन नहीं फिलअप कर सकते हैं, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, तो फुल कब माना जाएगा, जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, इसका मतलब ये है क्या हम इसे ऐसे भर सकते हैं, नहीं, कौन वायलेट हो जाएगा, पाउली, पाउली कहता है कि किसी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर एक एटम में सेम नहीं हो सकते हैं, अब ये चारों सेम हो जाएंगे इसके, है ना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एटलीस्ट स्पिन क्वांटम नंबर बदलना पड़ेगा, तो एक स्पिन क्वांटम नंबर बदल गया, अब आगे जाएंगे, है ना, अब आगे जाएंगे तो फिर यहाँ पे एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, अभी हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, लेकिन अब बहुत सारी पिक्चर बाकी है यहाँ पे, जैसे किसी स्टूडेंट ने ऐसे किया इसको, ठीक है, किसी ने कहा कि चलो इसको हम लोग ऐसे करते हैं, जो पी वाले की बात करते हैं, बाकी ये तो सेम भरेगा, ठीक है, तो पी वाले के 3 सिनेरियो होंगे, अब किसी ने कहा कि देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, दो दो इसमें भर दिया, 4 हो गए, किसी ने कहा अच्छा हम ऐसे भर देते हैं एक, और इसको ऐसे भर देते हैं, इसको ऐसे भर देते हैं, और ठीक है नहीं, इसको ऐसे ऐसे भर देते हैं, इसको ऐसे और इसको ऐसे भर देते हैं, ठीक है, ऐसे कर दिया या ऐसे ऊपर कर दिया, है ना, और किसी ने कहा चलो हम लोग ऐसे कर देते, इसमें पहले भरा एक, फिर दो, फिर तीन, अब फिर इसकी पेयरिंग करा दी 4, तो ठीक है, ये सारे ये सेम रहेगा इधर, है ना, 1s और 2s को लोगों ने दोनों रूल जानते थे, तो लोग जानते थे कि ये रूल वायलेट ना हो, ठीक है, इसके लिए इसे कैसे भरना है ये पता था, 1s को ऐसे ही फिलअप करेंगे, 2s को ऐसे, यहाँ कोई वेरिएबिलिटी नहीं थी, लेकिन जो पहला वाला, जो ये वाला भरा हुआ है, वहां पे क्या अबाउ प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, नहीं, अबाउ कहता है भाई लोअर, उसने कहा लोअर भरे हो, हाँ, 2s भरे हो, हाँ, 2p भरो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, है ना, फिर यहां पे देखा जाए तो यहाँ पे 1s भरा, 2s भरा, ये भी भरा हुआ है, अबाउ को कोई दिक्कत नहीं है तीनों में, तो अबाउ के हिसाब से तीनों को एनओसी मिल गया, तीनों सही है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी पे। अब बात आता है पावली की, तो पावली का अच्छा दोनों की स्पिन अलग अलग है, स्पिन तो बदल ही रहा है, यहां भी अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी
तो पावली को किसी की दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत है, ठीक है। हाँ, तो सबका क्वांटम नंबर सेम। देखो ये अगर ऊपर की तरफ है ना, और ये नीचे की तरफ है, ठीक है, तो इनके क्या बदल गए, है ना। देखो ये इसके ऊपर हम ML लिख दे रहे हैं, माइनस वन, जीरो और वन, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। और जो ये P सबसेल है, तो P सबसेल के लिए क्या कहेंगे, L वैल्यू क्या होगा, वन होगा, है ना। तो ये क्वांटम नंबर सबके बदल जाएंगे। यहां पे भी वही सिचुएशन है, दिक्कत थी तो हुंड को। हुंड ये कहता है पहले सिंपल भाषा में कि आप जब भी डी जनरेटेड ऑर्बिटल को फिलअप करने के लिए जाओगे तब मेरी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो हुंड की जरूरत कब पड़ती है, वेन एवर यू अप्रोचेस टू फिल डी जनरेटेड ऑर्बिटल। जैसे पी के तीन हो गए, पी एक्स हो गया, पी वाई हो गया, पी जेड हो गया, डी के पांच हो गए, एफ के सात हो गए। तो जब भी हम डी जनरेटेड ऑर्बिटल को भरने जाएंगे तो हुंड को याद करना पड़ेगा। वो ये कहता है कि डी जनरेटेड ऑर्बिटल जब भी फिलअप करते हो तो पहले हाफ फिल्ड करोगे, पेयरिंग तब करोगे जब कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरोगे, अब पेयरिंग उससे पहले नहीं करा सकते। ये बात समझ में आया ना, पेयरिंग अगर उससे पहले करा दिया है तो अकॉर्डिंग टू हुंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बताओ इसने हुंड के हिसाब से गलत किया कि नहीं किया, यहां भरा ही नहीं, इसको एक भी नहीं दिया, पेयरिंग करा दिया, और इसने क्या किया है, इसने पेयरिंग नहीं कराया, लेकिन यहां एक गड़बड़ है ना। अब हुंड का दूसरा होता है कि जो स्पिन होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। हाँ, स्पिन मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें मिनिमम हो जाएगी, ये माइनस का हाफ, ये प्लस का हाफ कट जाएगा, ठीक है। तो हुंड रूल पहले लिख लेते हैं, है ना। तो तीसरा रूल था हुंड रूल, इसीलिए नहीं लिखाए थे ना कैसे गलत हो जाएगा, ये सब बराबर एनर्जी ऑर्बिटल के है ना, अलग एनर्जी के थोड़ी ना है, ठीक है, एक ही एनर्जी लेवल के है ना। तो उसमें कम ज्यादा एनर्जी नहीं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे कहाँ बढ़ रहे हैं, वहीं ठहरे हैं। लिखो कितने लाइन बैठे आ जाएगा। हाँ, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड रूल, अरे रुक जाओ, पहले कुछ भी कर सकते हो, हुंड रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये पूरा नाम रूल का, बोले छोटा सा लिखना जी, छोटा सा लिखना आ जाएगा, नहीं है, अरे इतना यहाँ क्या चिंता कर रही हो। लिखो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स belonging to the same subcell belonging to the same subcell does not take place until each orbital belonging to that subcell has got one electrons each that means it is singly occupied. ठीक है, हाँ, occupied.
ये बात समझ में आ गया ना, समझ में आ गया कि नहीं कि हुन रूल क्या कहता है। अब हम लोगों के पास तीनों रूल आ चुके हैं, तीनों रूल का अपना इंपॉर्टेंस है ना। उन तीनों रूल को जो फॉलो करेंगे है ना, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने जाएंगे तो तीनों रूल ओबे होने चाहिए। हमें पता है कि हुंड तभी रोल में आता है जब डीजनरेटेड ऑर्बिटल होता है, उससे पहले उसका कोई रोल नहीं है। ये बात समझ में आ गया। अब हम लोग कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तीसरा सही है, तीसरा सही है, ठीक है। हाँ दूसरा गलत है। मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहा गया है ना, स्पिन मैक्सिमम होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे स्पिन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। यहाँ जीरो है स्पिन, प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो हो गया। यहाँ पे प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो हो गया। यहाँ प्लस हाफ माइनस हाफ जीरो हो गया। यहाँ पे माइनस हाफ प्लस हाफ जीरो हो गया। लेकिन यहाँ देखो ये जीरो जीरो जीरो, लेकिन यहाँ प्लस हाफ क्या हो गया, प्लस वन हो गया। यहाँ पे स्पिन क्या है, मैक्सिमम है, इसीलिए कहते हैं हो रहा है, इसीलिए कह रहे हैं कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब रिकॉर्डिंग लगभग रोज ही होगा ना, डाल दिया करेंगे। हाँ माइंड क्लियर है, नोट नहीं। देखिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग एटम लिख रहे हैं, उनका एसी लिख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना। एटॉमिक नंबर एटम हो गया, और इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर ना जेड लिखेंगे तब ना, ठीक है। जेड हो गया, और जेड मतलब जेड इक्वल टू इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन इक्वल टू जेड हो जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, वन हो गया। तो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, वन एस वन हो जाएगा। ये बात समझ में आया, ठीक है। इसी तरह से आपका हीलियम है, दो है, जेड क्या हो गया, टू हो गया, तो वन एस टू है ना। इसी तरह से लिथियम है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थ्री, तो तीन इलेक्ट्रॉन हो गया, तो वन एस टू पहला फुल हो गया और टू एस वन हो गया, ठीक है। इसी तरह से फोर वाले का हो गया है ना, एटम बाद में फिलअप कर लीजिए अपना है ना, दस तो कर ही ले कम से कम। तो चार के लिए कितना हो जाएगा, वन एस टू टू एस टू है ना। फाइव क्या हो जाएगा, वन एस टू टू एस टू 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 पी वन है ना। अच्छा अगर आपसे अगर ये पूछ दिया जाए है ना कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर किया है, पांच किसका होता है, बोरान का, तो बोरान, बोरान में जो आखिरी इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है उसके सारे क्वांटम नंबर्स बताइए, सारे क्वांटम नंबर्स है ना। चार क्वांटम नंबर होंगे किसी इलेक्ट्रॉन के, क्योंकि वही एड्रेस होता है उनका। तो देखो हम बस इसको ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमने कहा कि 2p तो क्या होगा, तीन तीन bhk है, ठीक है। एक हो गया 2px, 2py हो गया और 2pz हो गया, ठीक है। तो जो इसकी ml है, ml मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो इसका माइनस वन हो गया, इसका जीरो हो गया, इसका वन हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन इसी में गया होगा, या यहाँ गया होगा, यहाँ कहीं भी रख दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब सही है ना, एक जगह होना चाहिए। तो अभी बताओ n वैल्यू कितना दिख रहा है, टू दिख रहा है, तो इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन जो गया है ऑर्बिटल में उसका n वैल्यू टू हो गया। अब l वैल्यू मतलब किस सबसेल में गया है, p सबसेल में गया है, और p सबसेल में गया है तो जो l वैल्यू हो गया वो वन हो गया। s में गया होता तो l वैल्यू जीरो हो जाता, d में गया होता तो टू हो जाता। ये बात समझ में है ना। तो यहाँ पे क्या लिखें, वन लिखें। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा, ml, तो हम कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या दिख रहा है, माइनस वन, ठीक है, या जीरो या वन, कोई तीन में से एक लिख दीजिए, सब सही है ना। जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन यही हो, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, वो किसी को वायलेट नहीं कर रहा है तीनों रूल में। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ये हो गया माइनस वन। अब स्पिन क्या लिखेंगे, ms, जो स्पिन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ, या फिर कोई अगर माइनस हाफ भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना, यहाँ के लिए। तो ये दोनों आपके पास ऑप्शनल है, ठीक। तो ये हो गया प्लस का, तो दैट इज द ऑल फोर क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इंटरिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरॉन इन सबसेल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया,
स्पिन होता है। हाफ ही ज्यादा चलिए, नहीं जी स्पिन का प्लस हाफ माइनस हाफ दो ही तो होता है वो। बस ओवर हो गया, उबने लगी तुम पे, हटाए इसको। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग किसकी। हाँ ठीक है, तो अगला हो गया छ है, सिक्स। ठीक है, तो सिक्स का क्या हो जाएगा, कार्बन होता है सिक्स, इसका मतलब 1s2, 2s2 और 2p2। अब ये बताइए इससे पहले कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर इसमें कहा जाए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कार्बन में, तो देखो ये दो यहां ये पेयर्ड होंगे, ये भी पेयर्ड होंगे, लेकिन जो 2p2 है यहां पे इलेक्ट्रॉन भरोगे ना, पेयरिंग नहीं कराओगे ना, कौन मना करता है पेयरिंग कराने के लिए, हुंड रूल है ना, कहता है कि जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो जाए, दैट मीन्स हाफ फिल्ड ना हो जाए, तब तक आप पेयरिंग नहीं कराओगे। इसका मतलब अगर हमसे पूछा जाए कार्बन में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताइए, तो ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो ये सारे इंटरमीडिएटरी क्वेश्चंस हो गए, बीच के क्वेश्चन हो गए, ये बात समझ आ गया। इसी तरह से नाइट्रोजन का सात होता है, तो सात का क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p3, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तीन होंगे, क्योंकि अभी यहां आने वाला है। और अगर पूछा जाए आखिरी इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर बताइए, आखिरी इलेक्ट्रॉन जो यहां पे आने वाला है उसके चारों क्वांटम नंबर बताइए इस वाले के, बताओ। तो देखो कौन से सेल में गया है, वो सेकेंड सेल में गया है, तो एन वैल्यू क्या हो गया, टू। कौन से सब सेल में गया है, पी में गया है, तो एल वैल्यू क्या हो गया, वन हो गया। और एम एल क्या दिख रहा है, वन दिख रहा है, ठीक है। स्पिन ऊपर तरफ क्या हो गया, प्लस हाफ हो गया, समझ आ गया। ठीक है, तो आखिरी इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर हो गया सर, वो अगर आयरन नीचे होता तो माइनस हाफ। ठीक है, अब इसी तरह से कर लोगे ना, तो 10 तक अपना या 20 तक कर लेना, कल, हाँ कल 20 तक कर लेना। कल हम क्या क्या कराने वाले, मतलब कि जब भी नेक्स्ट क्लास होगी केमिस्ट्री की, तो क्या क्या कराएंगे, उसमें हम कराएंगे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेप्शन का एक्सप्लेनेशन क्या होता है, और आयंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये नेक्स्ट क्लास में कवर होगा। ठीक है, कल, हाँ।